पट्टी पलथी मार का बैठे हो। सर दर्द कर रहा। सर दर्द करता आदमी बाम लगाता पलथी मार बैठता। राज वैद्य ने बोला है। सेनापति सेतुपति। अरे यार क्या है उतनी देर से खोपड़ी खाए हो। यार 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 सखा सहेली सहेला बंधु बंधा गोभी तरोई बैंगन मूली आलू घुइया शुरू हो गया खेल। राजकुमार राव और राजकुमार हिरानी चौन कंटाप मारेंगे। याद आ जाएगी मामी। देखो बेटा हिरानी कल सब्जी मंडी गए थे एक डंडा लेके आए कमरे में खड़ा है सर्पदंड। चलो तुम तुड़ैया करते हैं आज। वो सर्पदंड इन्होंने तोड़ दिया तब और अच्छा हो गया है। अब दोनों को पड़ेगा एक साथ। लेकिन हम लोगों ने इसको नाली में फेंक दिया मतलब सारी गया कर दी गई है। अब कुछ बचा नहीं है ना? महाराज ऐसा है आपको बताए दे रहे आपके लड़के हाथ से निकल गए हैं। इतनी शैतानियां बढ़ गई हैं कि आज हमको यहाँ आना पड़ा दरबार में। बहुत दुख होगा आपको जान के हार्ट अटैक आ सकता है। सुन लीजिए लेकिन आपके लड़के मदिरा पीने लगे हैं। अरे मैंगो जूस था। झूठ। क्या सुन रहे हम? अरे महाराज ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत बदतमीज है ये लोग। गधे के बच्चे गधे के बच्चे गधे के बच्चे पगला गयो का। अरे महाराज बहुत बदतमीज है गधे के बच्चे। हम समझा रहे हैं ना आप शांत रहिए। अरे हैं तो बच्चे बहुत बद्रवी। उस दिन हमसे सिरिंज लेके भागे जा रहे थे कई रात पापा को लगाएंगे। नहीं हम पहले कही रहे थे गधे के बच्चे। अरे ठीक है यार ठीक है गधे के बच्चे गधे के बच्चे। हमको गधा साबित करना चाहते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। और क्या बात है? तुम लोग महल में मिलना अति मचाए हो। और तुम पंखा तेज धुलाओ। हमारे हाथ में मोटर नहीं फिट है। क्या हमारे हाथ में मोटर नहीं फिट है कि कूलर चला दे तुम उड़ जाओ। जितना एडजस्ट कर रहे हैं उतना एडजस्ट करो। संज्ञानी बुद्धि। क्या बोला? कुछ नहीं। संज्ञानी बुद्धि बोला। संज्ञानी बुद्धि बोला ना इन्होंने बोला ना। हमारे वाले कान का पर्दा फटा है। मंत्री दुर्बल तुम हमेशा रोया क्या करते हो? अरे महाराज पहली बात हमारा नाम दुर्बल नहीं दुर्बल है। दूसरी बात हम मंत्री नहीं महामंत्री है। तो इसमें रोने क्या बात है? धोखे में बोल दिया। 3 महीना हो गया महामंत्री बने हुए सब मंत्री बुलाते हैं। अरे हमको 20 साल हो गए महाराज बने हुए कौन महाराज बुलाता है? इनसे नाम पूछ ले क्या नाम हमारा? बदरू। देख लियो क्या बदरू? और नहीं तो क्या बदरू ही तो है। अच्छा फादर योर फादर नेम है? फादर योर फादर नेम। माय फादर नेम इज मिस्टर भद्र भानु भरत प्रताप। वेरी गुड ये है मेरा नाम। हाँ लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भद्रू ही अच्छा लगता है आसानी रहती बोलने में। कौन बोले इतना लंबा चौड़ा नाम घटिया ऊपर से। घटिया बोला ना? नहीं घटिया बोला ना घटिया बोला ना। हमारे कान का पर्दा फटा है। कान तो बेटा हम तुम्हारा चीर देंगे किसी दिन। चलो अच्छा ठीक देखो वो आया है। क्या हम मलखे तो खुशखबरी देने आए तो? हमने नया भैंसा खरीदा बिल्कुल आपकी शक्ल का उसको आपका नाम भी दिया। क्या नाम दिया है हमारी शक्ल के भैंसे को? भदरू। तुमको ऐसा क्यों लगता है मेरा नाम भदरू है? आओ क्या है भदरू ही तो है ये सब लोग भदरू ही तो बुलाते हैं। कौन सब लोग भदरू बुलाते हैं? ये जो आपके पीछे खड़े हैं ये भी ढिंढोरा पीटने आते हैं कहते भदरू। मतलब जब ये लोग ढिंढोरा पीटने आते हैं तो कहते महाराज भदरू का आदेश है कि ये कर दो वो कर दो। अरे ये लोग महाराज भी नहीं लगाते हैं डायरेक्ट भदरू। तुमको मेरा पूरा नाम नहीं मालूम है? मालूम है। क्या है? भद्र भानु भरत मिलाप। हम पहले कह रहे थे भद्रू ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है यार हटाओ ये भद्रू भद्रा क्या है? महामंत्री
हमारे चौथे महल का रिनोवेशन का काम हो रहा था, हो गया। अरे तीन महल हैं तो क्या करोगे चौथे महल को? हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। अरे हो रहा है काम, लेकिन करोगे क्या तीन महल? किराए से उठा देंगे तीन महल है तो। हाँ उठा देना, हम ले लेंगे। कपड़ा खरीदे के औकात नहीं, महल किराए पे लोगे? अरे बहुत पैसा है, पैसा का इसे है खरीदा। चाहिए बताना। हाँ भाग जाए से। नहीं है, बोल दो, शर्माओ ना महाराज, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। पूरा मूर्ख शिरोमणियों का साम्राज्य है ये। कोई सीरियस बात चल रही, मजाक उड़ा रहे, गधे के बच्चे। नहीं है गधे के बच्चे। आप शांत रहिए महामंत्री। हाँ। कल इस राज्य के और आसपास के सभी राज्य के जितने भी भूत भगाने वाले, टोटका करने वाले, जादू टोना मचाने वाले, सब हमको इस दरबार में चाहिए। अपने आप कुर्सी पीछे हुई जा रही, हम गिरे जा रहे, सब हंस रहे हैं। पता नहीं कौन सी बलाएं लग गई कुर्सी में, मेरा तो सर फटा जा रहा है। अपने बच्चों के घुड़ैया लदो, तब सही होएगा। आप अपनी स्पेशल एडवाइस अपने पास रखिए। हमारी विद्या प्रसाद। ठीक है, नहीं कोई शक नहीं। तुम कौन हो? दूत। काहे के लिए आए हो? वो बताने का टाइम नहीं है। अरे टाइम मान आर्यमान जूनियर जी, कोई मिल गया क्रिस क्रिस थ्री। साम्राज्य भुजदमन के सम्राट महाराज नृत्यकाल कल भुजगे पधार रहे हैं। बैठने नहीं आए हम तो का मदिरा पीने है? बैठने नहीं आए हैं हम, निमंत्रण देने आए हैं। हमारे नाती का मुंडन है। होगी पार्टी, बजेगा गाना, हमारे नाती का मुंडन है, जलूल जलूल आना। हाँ हाँ जलूल जलूल आएंगे, जलूल जलूल आएंगे। पापा। हाँ? कह रहे हम लोग का एक सोने का कटोरा चोरी हो गया था ना। हाँ? वो देखो किस तरह पिसारे कर रहा है मूर्ख बालक तुम्हारी खोपड़िया पे। मूर्ख, तुम्हारा चोरी हुआ कटोरा नहीं, हमारे भुजदमन साम्राज्य का राज मुकुट है। जानते हो भुजदमन साम्राज्य कितना बड़ा है? ये जिस 5x5 के कमरे में तुमने राज दरबार सजा के रखा है ना, उतना बड़ा हम लोग के यहाँ बाथरूम होता है। तब तो दौड़ दौड़ के साबुन लाना पड़ता होगा। हमका तो कोई बड़े राजा नहीं लग रहा, कपड़ा ऐसा लग रहा जिसे पाताल लोक के राक्षसों को टिम रहे वाले। क्या क्रोधित ना? बैठ जाओ भद्र भानु भरत प्रताप। हाँ हाँ बैठ रहे हैं। क्रोधित। अरे यार महाराज, आप क्या को ना भूत भगाए वाले हैं? हमारे यहाँ भेज देना यार, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी कुर्सी अपने आप खिसक जाती है, अभी देखते ना गिर जाते। शर्म आनी चाहिए तुमको। राज सिंहासन को कुर्सी बोल रहे हो? तुम्हारा पुत्र मेरे राज मुकुट को कटोरा बोल रहा है, मेरे को पाताल लोक का राक्षस बोल रहा है, अपने मुकुट को क्या बोलते हो, कपलेट? कान का पर्दा फटा है। दुख हुआ मुझे यहां पर आके, मेरे नाक कान सर पैर सबको दुख हुआ यहां पर आके। और हां,
अब नाती के मुंडन में आने की कोई जरूरत नहीं। ले अच्छा महाराज थोड़ी देर बैठ तो जाइए, बात कर लीजिए। कोई बात नहीं होगी अब। वैसे भी हमें यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? अरे जान ना रे, क्या महसूस हो रहा है? क्या सक... पापा की लगी क्या? लगी कह रहे हैं उठ कुड़वा बैठो छह घंटे। कुछ तो है, कोई तो है जो हमारे राज दरबार में अपने पैर पसार रहा है। कौन है वो पापी? बाहर निकल। पापा हम जानते हैं पापी कौन है। कौन है? मम्मी है पापी। क्या सबूत है कि मम्मी पापी है? जिस प्रकार काका की पत्नी काकी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, नाना की पत्नी नानी और चाचा की पत्नी चाची होती है, उसी प्रकार पापा की पत्नी पापी होती है। पापी होती है, पापी होती है। गधे का बच्चा क्या हो गया? सदमे में चले गए क्या? क्या हो गया? क्या हो गया बदरू? सेनापति सेतुपति, इन दोनों राजकुमारों को भुताहा हवेली में छोड़ के आओ। अरे आज सर दर्द कर रहा, कल छोड़ देंगे। ये मेरा आदेश है। ये मेरा आदेश है। तो तुम लोग हो पापी। हमने कुछ नहीं किया, राज वैद्य ने कहा था। अरे तुम्हारी आंख में दर्द था ना परसों, तो तुमको कुर्सी से 6 बार गिराना था बिना बताए। 3 बार हो चुका, 3 बार बचा है। सही होना है कि नहीं होना है? मेरी आंख सही हो चुकी है, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है। राजवैद्य